नमस्कार दोस्तों, कविता बोल में मैं अपनी एक कविता के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। कविता बोल के इस चैनल पर आना कविता के साथ सुखद अनुभव होता है हमेशा। और आज मैं जिस कविता के साथ हूँ वो मजदूरों पर है और मजदूरों की मौत के पे जो सरकार का रवैया और जो भी अभी कुछ हुआ लॉकडाउन और कोरोना काल में, इस कविता में मूल रूप से वो चीज़ें हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा जिस तरह का एक रिस्पॉन्स होना चाहिए या उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उससे किस तरह से भागती हैं, या उसका जो दूसरा जो रूप है उस जवाबदेही से भागने या गैर जिम्मेदाराना जो उसका रवैया है वो इस कविता में आपको समझ आएगी। जहाँ राजा होता है वहाँ पर जो कुछ होता है उसका एक एक चीज़ का हिसाब जो है राजा से हमें मांगनी चाहिए। इस कविता का शीर्षक है कि अब हर एक मौत का हिसाब लेना चाहिए राजा से। तो ये है कि नए भारत, क्योंकि बार बार ये न्यू इंडिया की बात हुई है, तो इस न्यू इंडिया में किस तरह से चीजें हो रही है उसका लेखा जोखा इस कविता में है। तो मैं अपनी कविता आपको सुना रहा हूँ। नए भारत की सरकार मारे गए नागरिकों की गिनती नहीं करती। नए भारत की सरकार मारे गए नागरिकों की गिनती नहीं करती, माने किसी सरकारी खाते या डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। दरअसल आसान भाषा में समझ लीजिए कि सरकार अब लाशों की गिनती नहीं करती। सरकार तो अब जीते हुए लोगों को लाश बनाकर छोड़ देती। सरकार जो अब लाशों की गिनती नहीं करती, सरकार अब जीते हुए लोगों को ही लाश बनाकर छोड़ देती है। राजा का सिंहासन जब लाशों के ढेर पर रखा हो तब लाशों की गिनती भी अपराध माना जा सकता है। तो राजा का सिंहासन जब लाशों की ढेर पर रखा हो तब लाशों की गिनती भी अपराध माना जा सकता है। और राजा इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी ईश्वरीय कृत या लीलावी करार देकर बरी हो सकता है। राजा आखिर राजा होता है, वह कुछ भी कर सकता है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है और ईश्वर द्वारा किए गए हत्याओं को किसी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता या पाप की श्रेणी में भी उसे नहीं गिना जाता। दरअसल जो मरा वही पापी हो जाता है। मजदूर, किसान, बेरोजगार को अब राजा नागरिक ही नहीं मानता। वह सवाल पूछने वालों, काम मांगने वालों और भूख में खाना मांगने वालों को देशद्रोही कहता है। राजा उनकी हत्या का आदेश नहीं देता, सिर्फ बेघर कर देता है। वो सड़क पर ला देता है, उनकी झुग्गियों को उजाड़ने का आदेश जारी करवाता है। राजा अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है। और प्रजा राजा की भक्ति और राष्ट्रवाद की भावना के बोझ से खुद को मुक्त नहीं कर पाती। किसान फांसी लगा लेता है, बेरोजगार युवा जहर पी लेता है और रोटियों के साथ रेल से कटकर मर जाता है मजदूर का परिवार। और इस तरह मरते हुए वह राजा को हत्या के आरोपों से बचा लेता है। किसान फांसी लगा लेता है, बेरोजगार युवा जहर पी लेता है और रोटियों के साथ रेल की पटरियों पर कट कर मर जाता है मजदूर का परिवार। और इस तरह से मरते हुए वे राजा को हत्या के अपराध से बचा लेता है। जबकि मैं सोचता हूँ इसके विपरीत, असामयिक हुई हर मौत के लिए राजा ही दोषी है।
असामयिक हुई हर मौत के लिए राजा ही दोषी है और भूख से मरे हर नागरिक का कातिल राजा है। भूख से मरे हर नागरिक का कातिल राजा है, क्योंकि भूख से मरना भूकंप से मरना नहीं है, क्योंकि भूख से मरना भूकंप से मरना नहीं है। किसान आत्महत्या दरअसल हत्या है राज्य द्वारा। ऐसी तमाम मौतों के लिए केवल राजाओं को ही दोषी माना जाना चाहिए, उससे एक एक मौत का हिसाब लेना चाहिए, उससे एक एक मौत का हिसाब लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी कविता थी, मैंने इसके बारे में बताया। आपको कविता अच्छी लगे तो उसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कविता को लोगों लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।